संदीप भैया, पहले लोग हमसे पूछते थे, अब हम खुद से पूछते हैं कि अगर इस साल भी नहीं हुई तो कब करूंगा मैं शादी। क्यों करनी भाई शादी? अरे क्यों करनी है, उम्र निकला जा रहा है संदीप भैया। और पता है जान पहचान के लोग क्या बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे ये लास्ट अटेम्प्ट है। देख भाई, लोगों से ज्यादा तुझे क्लियर होना चाहिए कि शादी करनी है कि नहीं। लोगों का कहे ये तो बोलेंगे, लेकिन याद रखना, शादी का लड्डू लोगों की जिंदगी में रोशनी भी कर देता है और वही शादी का लड्डू किसी किसी का आजमा भी खराब कर देता है। अब यू टू डिसाइड शादी करनी है कि नहीं, है ना? कुछ सही बात बोले संदीप भाई, आप बिल्कुल सही बात बोले, थैंक यू। ना थैंक यू से काम ना होगा ना भाई, तुम्हें तो पता है। हाँ हाँ संदीप भैया, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है ना आपकी, पता है। हेलो, कौन है भाई जिसने अपनी शक्ल है छुपाई? क्या जी, हमारे सामने सायरी। अरे रविश जी नमस्कार। अरे आपने कैसे याद कर लिया, गलती हो गई क्या मेरे तय? क्या इमेज बना हुआ है हमारा भाई है? कि हम सबकी गलती निकालते हैं। पेन सीधा करो अपना, उल्टा काहे लगायो। जस्ट किडिंग भाई। रवि जी आप भी फिरकी ले रहे हैं। हमको क्या है कि प्यार नाम की बीमारी जो है बहुत साल पहले लग गई थी, जिसकी वजह से हम आज तक कुमारे रह गए हैं। तो ऐसा सुनने में आया है कि कोई करवाए ना करवाए संदीप भैया जरूर करवा देंगे शादी, है ना? अरे रवीश जी बिल्कुल करा देंगे, एक से बढ़कर एक रिश्ता दिखाएंगे, वन आफ्टर अनदर। रुकिए, ये बिहार से MBA कर रखे है। अच्छी है अच्छी है, लेकिन अगर दिल्ली से होती और जर्नलिज्म की होती तो और भी अच्छा होता। ये देखिए, ये जर्नलिज्म कराया है, फ्रेशर है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस होती तो और अच्छा होता भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस भी है, जर्नलिस्ट भी है, और सुंदर, सुशील और लंबे बाल। नहीं नहीं, कम ऑन संदीप भैया प्लीज, अगर छोटे बाल होते, कोट पहनती काला कलर का और कैट आई चश्मा तो और अच्छा होता भाई। और नाम भी बी से शुरू होता हो। रवीश जी क्या है ना, IMS बढ़ते बढ़ते ऐसे अड्डे टेढ़े सवालों का सही जवाब देना सीख लिया मैंने। और रवीश जी ऐसा है कि वो बड़ा अटेम्प्ट सालों पहले ख़त्म हो लिया, तो उसको भूल जाओ और प्लान बी की प्रिपरेशन कर लो, बेहतर होगा। अरे यार तुम तो बड़े नेगेटिव ड्राइवर निकले भाई, है ना? चलो जाने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं गुरी से बात करता हूँ, है ना? और तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक है ना भाई? अगर आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो तो बताना, हमारा 40 बीघा खेत है, 3-4 बीघा तुमको दे देंगे, ठीक है ना? चलो बाय। अच्छा नमस्कार जी। काम के ना काज के दुश्मन ना आज के। बाबू सॉली ना, मैं जानबूझ के थोड़ी 12th पास हुआ था, वो तो CBSE वालों की साजिश थी हम दोनों को जुदा करने की। बाकी हम लोगों की अभी 3 घंटे की एनिवर्सरी हो गई, अब हम लोग शादी कर लेंगे। ये हम शादी कर लेंगे, शादी कर लेंगे। ओ पुच्ची चुच्ची चुच्ची पहला सीटा मोल। बाबू ये तो बेस्ट था। नाउ आई शो यू माय स्ट्रांग साइड। बाबू खाली बन जा, खाली बन जा, कुल्फी मेरे बाबू। ओ बाबू के सोना, हाथ जुड़ा ले, बैठ जा बैठ जा। बताओ क्या होया, व्हाट हैपेंड? कुर्सी ने बाबू को मारा। ओ चचा प्रॉब्लम के वो बता। बाबू आप बताओ ना। बाबू नहीं नहीं सोना, आप बताओ ना। क्योंकि आप बताओ ना, बुजी बुजी का ना शादी करनी है, वो मान नहीं रहे। मानता कोई ना है, मनाना पड़ता है। पेशेंस, परसीवरेंस, डेडिकेशन। हाँ हाँ हाँ, इनका कोई लेना देना ना है, पैसे कमाने पड़ते हैं। कोई लवासना से ना शुरू होती है शादी की ट्रेनिंग। शादी की ट्रेनिंग जो है तुम्हारे सक्सेसफुल होने से शुरू होती है। तो मैं तो बहुत बड़ा सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर हूँ, 1200 फॉलोअर्स है, पर फिर भी नहीं मान रहे। कौन नहीं मान रहा? सरकार कहती है कि बाबू को 18 और उसके सोना को 21 होना पड़ेगा, तब जाके हम बाबू सोना हो पाएंगे। क्या करें, मर जाए ना। मैं बताता हूँ क्या करना है। लिकड़
पैसे रखो और निकलो, पहली फुर्सत में निकलो यहां से, चलो। अरे किन्ने धर लाया है हैं? इन्हें बता, एस्पिरेंट के बाद मैंने टास्क ज्वाइन कर रखी है। गोली मार दूंगा मैं, गोली मार दूंगा मैं। शादी होगा तो पुष्पलता से होगा, बोल दिया हम। अरे बाप बेटे की खिचखिच तो मैं दूर करा दूंगा, गड़े की खिचखिच के लिए विक्स लगेगा। कंठ पर एक मुक्का देंगे अभी बोलने लगेगा तपाक से। देख ना संदीप भैया, हमारे जिंदगी का सारा डिसीजन यही लेते हैं, खाने का, नहाने का, यहाँ तक कि हमारे जन्मदिन का डिसीजन भी यही लिए हैं। हम 2 जनवरी को पैदा हुए थे, ये जो है मार्कशीट में करवा दिए 31 दिसंबर, बोले न्यू ईयर और बर्थडे का पार्टी एक ही साथ निपटा देंगे, निपटा देंगे। बताइए अपना बच्चा का पार्टी कोई निपटाता है? हमारा बच्चा होगा पूरा पटना सजा देंगे हम। लेकिन इस बार हम नहीं मानेंगे पप्पा, आपको पता है 20 बार लगान दिखाने के बाद जाके पटी हमसे एलिजाबेथ, और बिना लगान के हमें शादी करने के लिए मान भी गई है। ये अपॉर्चुनिटी हम हाथ से नहीं जाने देंगे। अपॉर्चुनिटी का स्पेलिंग भी आता है तुमको? MAUKALON। हर बात पे मजाक, अरे शादी को मजाक नहीं है बेटा। वही तो मैं कह रही हूँ, मजाक ना है। क्या है ना, शादी का रिश्ता जो होता है ना, एक धागे की तरह होता है। और किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि धागा यो टूटे ना यो धागा। धागा टूटे ना टूटे, इसका हड्डी हम जरूर तोड़ देंगे अगर पुष्पलता शादी नहीं किया तो। अंकल जी, क्रोध जो है ना वो ऐसी हवा है बुद्धि के दीप को बुझा देती है। डोम का के उसी कारण तो जेरी से हार जाता है। क्रोध नहीं, आलसी और लालची था वो इस बुड़बक की तरह, नहीं तो कब का जरिया को धर लिया होता। और तुम ना संदीप भैया ही रहो, ज्यादा महेश्वरी बनने का कोशिश मत करो। बात पापा, हम अपना बेइज्जती होते हुए हर एपिसोड में सहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संदीप भैया का भी सह लेंगे। बेटा क्रोध नहीं, क्रोध ऐसा हवा है जो बुद्धि का दीपक को बुझा देता है। कहे संदीप बाबू, बहुत हो गया, जा रहे हैं अभी के अभी एलिजाबेथ और पंडित को बिठा के मोटरसाइकिल पे, तुरंत जाके चर्च में अभी मैरिज कर लेंगे, और हमको रोकने की कोशिश मत करिएगा, रुक जाएंगे हम। जाओ जाओ, तुम्हारे जैसा औलाद चाहिए भी नहीं हमको। आपको ना शादी में भी नहीं बुलाएंगे। संदीप भैया आप करिएगा हमारा कन्यादान, हमको आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ब्लेस यू, ब्लेस यू। फंडा ही क्लियर नहीं है इसका, कन्यादान कन्या का होता ना जी। अंकल जी, अपने बेटे, उसके प्यार, उसके बचपने को अपने ईगो के लिए सैक्रिफाइस कर देना इज नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल। ओ महेश्वरी, वो एलिजाबेथवा उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग करवा रही थी 1 करोड़ रुपया खर्चा करके। अच्छा। हम 1,000 में निपटा दिए। लॉल के बात है, बापू तो बापू हो वैसे, पर सॉरी 1,000 ना, 1500 मारी फीस भी तो है, काट दो। मारी भी आर्थिक हालत ठीक ना है। भैया प्यार करता हूँ एक लड़की से, नहीं पटी ना तो नस काट लूंगा। अब तक काटी नहीं इसकी, इसकी तो काट चुका हूँ। अरे काटना है तो केबल काटो, घर में एंट्री कर जाओ। पर भैया उसके यहाँ तो एंटीना लगा हुआ है। चैंपल दे रहा हूँ बेटे, ये सब करके फूल ना बनो, फूल दो। फूल फ्लावर्स, फूल माला गमला सब दे दिया भैया उसको, उसके प्यार ने ना फिजिकली नहीं फाइनेंशियली भी चूस लिया है मेरे को। फर्स्ट सेमेस्टर में रिजेक्ट हुआ, सेकंड में रिजेक्ट हुआ, पलट के देखा 4 में बैग लगी थी। वही की रास्ता है तेरे पास। क्या भैया? तू उसे भूल जा, मेरा एक दोस्त है सन्नी, वो उसे पटा लेगा। क्या बोल रहे हो भैया? बात सुन तो ले बावड़े, वो उसको पटा के उसका दिल तोड़ देगा और फिर तो उसका कंधा बन जाना, है ना कसुत्ता प्लान? हम कसुत्ता प्लान है भैया, है ना। चल नाम बता। लड़की का नाम नहीं बता सकता भैया। नाम तो बताना पड़ेगा ना भैया, प्लान छोड़ दो, नाम नहीं बता सकता। तो नाम बता। कुसुम। IMS वगैरह तो बाढ़ है, हम लोग उस भौरे की तरह हैं जिसने अपने पंख तो पाई ली लेकिन एक ही फूल के पीछे राउंड 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 मारे जा रहे। यू नो व्हाट वी आर? व्हाट? वी आर ऑफिशियली कुसुम झुंड। तो गाइस, ये था संदीप भैया का काल्पनिक रूपांतरण। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा था। भैया मेरा फेवरेट तो भैया कुसुम जोन था। हाँ हाँ, वो तो हो गई। देखो ऐसा है कि कुसुम जोन से तो मैं भी नहीं बच पाया,
लेकिन तुझे गले की खिचखिच से जरूर बचा सकता हूँ। विक्स की गोली लो और खिचखिच दूर करो। तो आप भी लीजिए और इस कॉन्फिडेंस को पाके अपनी अपनी कुसुमों को अप्रोच कीजिए, प्रपोज कीजिए। भैया पर मेरे पास ना एक प्लान भी था, क्यों ना हम क्लब हाउस पे एक कुसुम जोन बना लेते हैं, क्या बोलती पब्लिक? कमेंट करके बताओ। वाह कितना बुरा आइडिया, चल उठ निकल भैया। अच्छा आइडिया भैया, कमेंट करेंगे भैया जनता। अरे मानसिक स्थिति ठीक ना इसकी।